सुदामड़ी थाना क्षेत्र के नगीना बाजार से बीती रात एक युवती की छेड़खानी और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। युवती के परिजनों ने कहा कि हमारे घर में शादी का माहौल है, घर में मेहमान आए हुए थे। उसी वक्त बगल के ही तीन युवक रवि भुइयां, मुकेश भुइयां, सौरभ कुमार ने शराब के नशे में धुत होकर मेरी बेटी को जबरन उठाकर ले जाने लगा और छेड़खानी करने लगा, जिसका विरोध हम लोगों ने किया तो हमारे पूरे परिवार, महिलाएं, पुरुष के साथ मारपीट किया। वह लोग आर्मी का धौंस जमा कर कहा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे जो मन में आएगा करेंगे। जब पूरे मोहल्ला और घर के लोगों ने विरोध शुरू किया तो युवक अपना बुलेट मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इस घटना की सूचना युवती के परिजनों ने सुदामड़ी थाना को दे दिया है। सुदामड़ी थाना घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सुदामड़ी थाना के PSI ने कहा कि मामला छेड़खानी का है और यहां आने पर हम लोगों ने भी सही पाया। उक्त युवकों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक फरार बताए जा रहे हैं। अभी नगीना बाजार से रागिनी कुमारी जो है अपने फैमिली के साथ PSI हुई थी और रिपोर्ट की है कि उसी के कॉलोनी का संजीवन भैया, मुकेश भैया, धर्मेंद्र भैया अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर शराब के नशे में उसके घर में जो है लीगली रूप से गया और लोगों को डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्ब मतलब छिड़खानी और कपड़ा उपड़ा जो है उनका अस्त व्यस्त हुआ है। इसको लेकर उन्होंने रिपोर्ट की है PS में। उसी के सत्यापन में आए थे। प्रथम जैसे घटना सही है और उसके लिखित आवेदन मिल गया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर, इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तो कोई एक्यूज है नहीं घर के, रेड पे आए हुए थे तो अभी कोई एक्यूज मिला नहीं है पुलिस में। फिर कंटिन्यूस रेड होगा। तो हम सोए हुए थे, आए तो हमारा बचिया के घिसिया के ले जा रहा था। संजीवन भुइया का लड़का था और ये था उसका भाई था, फौजी है वो था। बोला कि चल जाओ थाना में, हम है कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा यहाँ का थाना वाला, और आर्मी में है और प्लस में सर्जन भुइया, अनिल भुइया, ये सब मिल के आके लटक के मारने लगा यहाँ। क्या कुछ कारण रहा? कोई कारण नहीं है सर, हम तो पते नहीं, उसे वही तो पूछना चाहते हैं। अगर हमारा कोई कारण है तो बताइए, मोहल्ला छोड़ के चले जाएंगे अगर वो सब बातें तो। पुलिस प्रशासन से, प्रशासन से मदद चाहिए हमको कि न्याय जांच करके उसको पर कार्रवाई कीजिए। और क्या बोलेंगे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश कुमार भुइया हुआ, सुदामडी में गार्ड के पद पर।